भाई क्या लोग आपको चिढ़ाते हैं? आप जब भी कभी लोगों के बीच में होते हो ना, तो लोग वहाँ पे बस आपको चिढ़ाते रहते हैं और आप बस दिन भर यही सोचते रहते हो कि यार आखिर लोग मुझे चिढ़ाते क्यों हैं? वो क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग सिर्फ मुझे ही चिढ़ाते हैं? तो यार अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना, अगर लोग बस आपको चिढ़ाते रहते हैं, तो यार ये वीडियो ना सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर लोग आपको चिढ़ाते क्यों हैं, वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग सिर्फ आप ही को चिढ़ाते हैं। तो यार यही सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप सच में चाहते हो ना कि वो रीजन आपको पता लग जाए जिसकी वजह से लोग आपको चिढ़ाते हैं और इसके बाद फिर कोई भी बंदा आपको चिढ़ा ना पाए, तो यार अगर आप ये सच में चाहते हो ना, तो यार उसके लिए ना आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और यार अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई मैं ना आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं। तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो। तो चलो यार अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, अगर लोग आपको चिढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उसका रीजन पता करना होगा कि आखिर लोग तुम्हें चिढ़ाते क्यों हैं और सिर्फ तुम्हें ही क्यों चिढ़ाते हैं। भाई उनके पास और भी तो ऑप्शंस होते हैं ना, उनके सामने और भी तो बंदे होते हैं, तो फिर वो उनको क्यों नहीं चिढ़ाते, सिर्फ आपको ही क्यों चिढ़ाते हैं। तो भाई सबसे पहले ना तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं तुम्हारे अंदर जिससे कि पूरे ग्रुप के लोग बस तुम्हें ही चिढ़ाते हैं। तो यार ऐसी कोई ना कोई बातें तो होगी ना तुम्हारे अंदर जिससे कि लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं। तो यार आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उन्हीं कमियों के बारे में पता करना है, आपको सबसे पहले उन रीजंस के बारे में पता करना है जिनकी वजह से लोग आपको चिढ़ाते हैं। अब यार आप पता करोगे कैसे? तो यार मैं हूं ना आपका भाई, भाई मैं ना आपको आपकी वो गलतियां बताने वाला हूँ जो आप करते हो और लोग आपको जिनकी वजह से चिढ़ाते हैं। तो यार सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो ना, वो ये है कि तुम चिढ़ते हो। भाई देखो, अगर लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं ना और तुम चिढ़ जाते हो, तो भाई वहाँ पे क्या होता है ना, तो वहाँ पे लोगों को मजा आ रहा होता है, लोगों को वहाँ पे मसाला मिल रहा होता है, क्योंकि आप चिढ़ते हो। तो यार सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप वहाँ पे चिढ़ते हो, आप वहाँ पे लोगों को ये दिखाते हो कि आपको बुरा लग रहा है, और इससे क्या होता है कि लोगों को मसाला मिलता है, लोगों को मजा आ रहा होता है। और यहाँ पे एक बात सोचो कि फिर क्या हो अगर लोगों को मसाला मिलना ही बंद हो जाए, अगर लोगों को मजा आना ही बंद हो जाए। तो भाई अगर आप ये किसी तरह से कर लेते हो ना, तो अगले बंदे आपको कभी चिढ़ाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई उनको फिर मसाला नहीं मिलेगा, उनको फिर मजा नहीं आएगा। अब यार यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर हम उनका मसाला उनका मजा कैसे बंद करें? तो यार उसके लिए ना आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। भाई आपको क्या करना है कि जहाँ पे लोग आपको चिढ़ाते हैं ना, वहाँ पे आपको चिढ़ना नहीं है। भाई आपको ना ये चीज एक मजाक की तरह लेनी है, जैसे कि वो बंदे आपसे मजाक कर रहे हो, और भाई आपको ना उनकी बातों को कभी भी अपने ईगो पर नहीं लेना है, आपको कभी भी उनकी बातों से हर्ट नहीं होना है। भाई आपको क्या करना है ना कि आपको अपने माइंड को किसी और डायरेक्शन में घुमाना है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि दोस्त अगर आप ये सोचते हो ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिससे कि आप वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाते हो। तो भाई वहाँ पे आपको क्या करना है ना कि आपको वहाँ पे चिढ़ना नहीं है, आपको उनकी बातों को एज अ जोक लेना है और उनकी बातों से कभी भी हर्ट नहीं होना है। और भाई सबसे सही चीज आप यहाँ पे पता क्या कर सकते हो कि आपको उनकी बातों को एक्सेप्ट करना है, आपको उनकी बातों को रिपीट करना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देके रिलेट करवाता हूँ। जैसे कि आप कहीं लोगों के साथ ग्रुप में हो, अब वहाँ पे क्या होता है कि लोग ना आपको चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार तू तो फट्टू है, तू तो बेवकूफ है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। अब भाई अगर तुम यहाँ पे चिढ़ते हो ना और उनको बोलते हो कि यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारी बातों से, तो भाई इससे यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे लोगों को मसाला मिल जाएगा, यहाँ पे लोगों को ये पता लग जाएगा कि आप सही में चिढ़ रहे हो। और जब आप चिढ़ते हो ना, जब आप लोगों को मसाला देते हो, तो भाई वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे लोगों को मजा आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि आप चिढ़ जाते हो। तो भाई आपको ना वहाँ पे चिढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है कि आपको उनकी बातों को एक्सेप्ट करना है और उनकी बातों को रिपीट कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर लोग तुम्हें बोलते हैं ना कि यार तू तो फट्टू है, तू तो चूतिया है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो भाई आपको वहाँ पे चिढ़ने की बजाय पता क्या करना है कि आपको वहाँ पे बोलना है कि हाँ यार सही बोल रहे हो, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं फट्टू भी हूँ, मैं बेवकूफ भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन महाराज आप महान हो, मैं तो सच में बेवकूफ हूँ भाई, मुझे कुछ आता जाता थोड़ी है, तुम लोग एकदम सही बोल रहे हो, मैं ऐसा ही हूँ। और भाई जैसे ही आप ये बोल देते हो ना और आप लोगों को ये दिखा लेते हो कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उनकी बातों से चिढ़ नहीं रहे हो, तो भाई यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे लोगों को मसाला मिलना बंद हो जाता है। भाई फिर है ना लोगों को यहाँ पे मजा नहीं आता, क्योंकि आप उनको वहाँ पे मसाला नहीं देते हो, आप वहाँ पे चिढ़ते नहीं हो। तो भाई अगर आप ये कर लेते हो ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगली बार से वो लोग आपको चिढ़ाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि भाई आप तो चिढ़ोगे नहीं और आपसे उनको मसाला मिलेगा नहीं, और अगर उनको मसाला नहीं मिलता है ना, तो उनको फिर मजा भी नहीं आएगा, तो इसीलिए फिर वो आपको चिढ़ाना बंद कर देंगे और फिर आपको चिढ़ाने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक
लाइक जरूर करना। और भाई अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई मैं ना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।